नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ, तो क्योंकि मेरा पैर स्लिप कर गया था, मेरे सर में काफ़ी चोट आई थी, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इतने दिनों में मेरा टेरिस गार्डन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि केयर तो इसकी हो रही थी पर जैसे मैं करती हूँ उस तरह से नहीं हो रही थी, और तेज़ गर्मी और धूप के कारण सारे पौधे मेरे जो सीजनल पौधे थे वो सारे पौधे जल गए, क्योंकि इधर 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था इस समय में, नौतपा गर्मी की तेज़ धूप के कारण मेरे पौधे बच नहीं पाए। मैं भी गार्डन में आ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा काफ़ी ब्लड निकल गया था, तो मुझे काफ़ी वीकनेस था जिसके कारण से मैं गार्डन तक, क्योंकि मेरा गार्डन थर्ड फ्लोर पर है तो मैं इतनी ऊँचाई पर मैं आ नहीं पा रही थी, तो तेज़ गर्मी का धूप मेरे पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं आती तो मैं इनके नीड को अच्छी तरह से समझ पाती थी, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स ने पानी डाला तो उन्हें उतना पता नहीं होता है, क्योंकि वो जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें ही पता होता है अच्छी तरह से किस पौधे को कितना ज़्यादा पानी चाहिए या किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो मेरा ग्रीन नेट भी बंदरों ने फाड़ दिया था, तो जिसके कारण से पौधे बुरी तरह से, मेरे सीजनल पौधे जो भी थे सब्जी के, तरोई, करेला, लौकी, ये सारे पौधे जल गए। अब मुझे सारे पौधे नए लगाने पड़ेंगे। दो चार पौधे हैं जो जैसे खीरे का और एक आध तरोई का पौधा, ये सारे पौधे अभी तो उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे रहे थे, पर हाँ गर्मी बरसात में बहुत अच्छी फ्रूटिंग देते ये, पर इससे पहले ही देखिए बुरी तरह से सारे पौधे मेरे ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इनकी ग्रोथ भी रुक गई है, जो पौधे बचे हैं उनकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो अब खैर, अब बरसात के पौधे लगाने का समय वैसे भी आ गया था, तो चलिए अब मुझे फिर से सब रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना टेरिस गार्डन। ये शुक्र है कि जो भी बड़े पौधे थे जैसे अमरूद के पौधे, एप्पल वेयर का पौधा और जो भी बड़े पौधे थे अनार के पौधे, वो सब सेफ है, शुक्र है कि। तो इनको फिर से लगाना और इतनी ग्रोथ करना, मैं साढ़े तीन साल से इन पौधों को बड़ा कर रही थी, तो कुछ पौधे अभी भी सीजनल पौधे भी ठीक है, जैसे बैंगन के पौधे, ये थोड़े से पौधे जो होते हैं वो टफ़ होते हैं, तो इस कारण से ये देखिए यहाँ पे ये सारे पौधे, क्योंकि ये ग्रुप में थे और पीछे से पौधों का सेट पड़ता था इन पे, तो इस कारण से बड़े पौधों का, जैसे अमरूद का पौधा है, तो इस कारण से कुछ पौधे तो फिर भी चल गए हैं, पर अधिकतर पौधे ख़राब हो गए हैं।